दोस्तों फाल्कन एंड विंटर सोल्जर सीरीज में हमने फाल्कन को एक नए नाम और नए सूट के साथ देखा। कॉमिक वर्ल्ड में ऐसे चेंजेस होना बहुत ही आम बात है। इंडियन कॉमिक्स में भी ऐसे कई चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूँ आपका दोस्त विजय कुमार और हम यह करते हैं कॉमिक्स से रिलेटेड ढेर सारी बातें। और आज हम राज कॉमिक्स के कुछ ऐसे ही सुपर हीरोज़ के ड्रेसअप चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो पहले वीडियो देख लें, इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल में आपको कॉमिक्स और सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों लिस्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं परमाणु की। परमाणु की पहली कॉमिक्स इशू नंबर 261 परमाणु से इशू नंबर 113 सुरमा कॉमिक्स तक परमाणु के ड्रेस में कुछ खास फीचर्स दिखाए गए थे, जैसे फायर फॉप कॉस्ट्यूम, सीने पर लगे एम्बलम से परमाणु ब्लास्ट और परमाणु छिल्ले निकल सकते थे, ब्रेसलेट में लेजर वायर और ट्रांसमिशन पावर दे सकते थे। इसके बाद इशू नंबर 113 सुरमा में परमाणु की बेल्ट को चेंज किया गया, साथ ही उसकी ब्रेसलेट को भी चेंज किया गया जिसमें उसकी अधिकतर पावर वाइस वोर्ड में आ गई और स्ट्रिंग पावर एक नई पावर उन्हें मिली। इसके बाद आई कॉमिक्स इशू नंबर 420 कोलाहल में परमाणु को एक नया आर्मर सूट मिला जो कि ज्वालामुखी जैसी गर्म जगह में भी पहनी जा सके। यही आर्मर सूट थोड़ी और चेंजेस के साथ सरोनैक सीरीज में भी आज दिखाई देता है। दोस्तों अगली बात हम करते हैं नागराज की। इशू नंबर 14 से लेकर इशू नंबर 65 क्राइम किंग तक नागराज को केवल हैट और ओवरकोट में देखा गया। वैसे नागराज के टोटल 3 वर्जन आ चुके हैं। यहाँ हम बात विश्व रक्षक नागराज की कर रहे हैं जो कि क्राइम किंग कॉमिक्स के बाद राज के रूप में कोट पेंट के साथ नजर आया और फिर विनोम सीरीज से नागराज शाह के रूप में भी नागराज कोट पेंट में नजर आया था। वहीं दूसरी तरफ आतंक हर्ता नागराज हेट और ओवरकोट में और नरकनाशक नागराज की मेन ड्रेस अब हाफ डेनिम जीन्स, ब्लू जैकेट और लॉन्ग बूट है। नागराज की ड्रेस के साथ बहुत कम चेंजेस देखने को मिले। इसका एक कारण यह भी है कि नागराज की शक्तियां किसी टेक्नोलॉजी या स्पेशल सूट की मोहताज नहीं हैं, क्योंकि नागराज तो नंगा पोंगा भी जिंदा हथियार है। दोस्तों अगला नाम हम ले रहे हैं देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा की। तिरंगा की पहली कॉमिक्स इशू नंबर 650 दंगा कॉमिक्स से तिरंगा उर्फ अवैध देशपांडे अपनी तिरंगी पोशाक में नजर आया, लेकिन इशू नंबर 699 डर मास्टर कॉमिक्स में उसे प्योर वाइट ड्रेस और तिरंगी लबादा में देखा गया। ऐसा उसने एक्शन के दौरान होने वाले तिरंगी पोशाक से तिरंगे का अपमान न होने के लिए किया। इसके बाद काफ़ी समय बाद इशू नंबर 2452 आई स्पाई कॉमिक्स में तिरंगा वाइट ड्रेस, ऑरेंज कलर के ग्लव्स और ग्रीन बूट के साथ तिरंगी लबादे में नजर आया और इस बार उसके पास ढाल के साथ ही न्याय स्तंभ भी था। तो दोस्तों यह थी राज कॉमिक्स के 3 सुपर हीरोज़ की ड्रेसअप चेंजेस की इन्फॉर्मेशन वीडियो। अभी इस सेगमेंट वीडियो में और भी बहुत से सुपर हीरो आ सकते हैं, खास तौर पर सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा, लेकिन इससे यह वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो के अगले एपिसोड को हम जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। तो फिर हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही यह भी बताएं कि आपको किसकी ड्रेस ज़्यादा पसंद आती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सुपर हीरोज़ और कॉमिक्स से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे सोशल मीडिया साइट फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ना ना भूलें। यहाँ आपको मिलेगी कॉमिक्स से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।